हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज व्याकरण में हम बहुत ही रोचक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कारक। कारक क्या होते हैं बच्चों? हम व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हम अपनी भाषा को शुद्ध कर सकें। व्याकरण हमारे भाषा, हमारी बोलने, हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसे शुद्ध बनाता है। इसलिए हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, व्याकरण को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक होता है। बच्चों, व्याकरण में यदि हम कारक नहीं पढ़ें, कारक के बारे में नहीं जाने, तो हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। व्याकरण में कारकों का बहुत योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं व्याकरण में कारक। तो हमें कारक के बारे में पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें भी अपनी भाषा को शुद्ध करना है। हम भाषा लिखते, पढ़ते, बोलते सब कुछ है। हिंदी हमें बहुत अच्छी लगती है कि हम बोल पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम लिख पाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां रहती है। पूरी तरह से शुद्ध हम नहीं बोलते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमें व्याकरण का अपूर्ण ज्ञान होता है, हमें व्याकरण पूरी तरह से नहीं आती है, हम उसे नहीं समझते हैं। जबकि व्याकरण बहुत जरूरी होता है हमारी भाषा को शुद्ध करने के लिए। हिंदी की तरह ही सभी भाषाओं में व्याकरण होता है, सभी भाषाओं में व्याकरण सिखाया जाता है। तो हिंदी में हम व्याकरण पढ़ते हैं हमारी भाषा को शुद्ध करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। आज हम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, कारक। कारक क्या होते हैं? कारक एक चिन्ह होते हैं एक प्रकार के, जिनके द्वारा, जिनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है और वाक्य को पूर्ण किया जाता है। यदि हम कारक चिन्हों का प्रयोग न करें तो वाक्य अस्पष्ट होगा और अपूर्ण भी होगा। यदि मैं एक गद्यांश आपके सामने पढ़ूं, उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग न हो तो आपको सुनने में भी अटपटा लगेगा, समझने में आपको कठिनाई होगी, मुझे बोलने में भी अटपटा लगेगा। जैसे आज मोहन जन्मदिन है, वह स्कूल अपने दोस्तों टॉफियां ले गया, उस सभी दोस्तों टॉफियां खाई, लंच ब्रेक सभी दोस्तों मिलकर खाई, उस बाद वे खेल मैदान खेलने लगे। अब कुछ अटपटा मुझे पढ़ने में लगा, आपको समझने में भी लगा कि मैम ने क्या पढ़ा है, है ना? इनमें कारक चिन्ह नहीं थे। अब यदि मैं कारक चिन्हों को लगाकर, कुछ ऐसे चिन्हों को लगाकर इस वाक्य को पढ़ूं, जैसे आज मोहन का जन्मदिन है, वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए टॉफियां ले गया, उसने सभी दोस्तों में टॉफियां बांटी, लंच ब्रेक में सभी दोस्तों ने मिलकर खाई, उसके बाद वे खेल के मैदान में खेलने लगे। तो इस तरह से हमने इस वाक्य को पढ़ा कारक चिन्हों को लगाकर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई समझने में और वाक्य भी हमें अस्पष्ट नहीं लगा, स्पष्ट लगा और पूर्ण भी लगा। तो कारक चिन्हों का महत्व आपको पता चला कि इनका क्या महत्व है, इन्हें लगाना क्यों आवश्यक है, इन्हें लगाना, इनका उपयोग, इनका प्रयोग करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम वाक्य को समझ सकें, उसके अर्थ को समझ सकें। तो कारक व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनका ज्ञान होना भी, इनके बारे में हमें पता होना भी बहुत जरूरी है। और आप जिस कक्षा में हैं, उस कक्षा में व्याकरण का सही ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कारक,
आप पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कारक क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया एक गद्यांश पढ़कर, वैसे ही एक सेंटेंस यहां देखिए। हे बालक, कृष्ण ने अर्जुन को, दिख रहा है आपको है ना, कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन से गीता का महाभारत में उपदेश दिया। ठीक है, यह एक वाक्य है जो हमें स्पष्ट हो रहा है कि हे बालक, कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन से गीता का महाभारत में उपदेश दिया। इसमें सभी कारकों का प्रयोग किया गया है ना, हमें अर्थ समझ में आया। यहाँ पर हे बालक, कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन से गीता का महाभारत में, संज्ञाओं के रूपांतरण है जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध उपदेश दिया क्रिया के साथ सूचित होता है, कि इन सारे शब्दों का संबंध क्रिया के साथ है ना। ये जितने भी शब्द हैं, कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध के लिए मन में, ये सभी संज्ञा है ना। तो इन संज्ञा का संबंध किससे है, उपदेश देने से, क्रिया से। उपदेश देना है क्या है, क्रिया है। तो इन संज्ञाओं का संबंध किससे है, क्रिया के साथ। तो इस वाक्य में हे, ने, को, के साथ, के लिए, से, का, में जो चिन्ह आए हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इन्हीं विभक्ति सहित शब्द को हम कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने, कृष्ण ने कारक शब्द है, विभक्ति जिसमें लगी होती है उन्हें कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा हम देखेंगे। ये सरल शब्दों में सरल अर्थ हमने कारक का जाना कि कारक होते क्या है, इनका क्या महत्व है, इन्हें क्यों पढ़ना है हमें, ये हमने जाना। कि अगर हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो हम ठीक से वाक्य को बोल भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा कारक पढ़ना जरूरी है। तो ये जो चिन्ह होते हैं, ने, को, से, ये जितने चिन्ह हैं, ये क्या कहलाते हैं, विभक्ति कहलाते हैं। हमने संस्कृत में भी विभक्तियों को पढ़ा है, पढ़ेंगे, संस्कृत में विभक्तियां होती है, ये विभक्ति कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। तो इन शब्दों को, विभक्ति सहित जो शब्द होता है वही कारक होता है। अब हम कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक किसे कहते हैं, ये कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं कि जो क्रिया के करने से होते हैं, क्रिया की जाती है तब कारक होते हैं। कारक शब्द का अर्थ ही यही है, कारण, क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, अपना रोल निभाता है, उसे कारक कहते हैं। जब हम इसके भेद पढ़ेंगे तो आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये होते हैं कारक। इसकी परिभाषा हम देखें तो कारक की परिभाषा हम कहें कि संज्ञा और सर्वनाम का एक क्रिया के साथ दूसरे शब्दों से संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। निशान यानी चिन्ह, मैंने यहाँ निशान शब्द लिया है ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, चिन्ह। तो संज्ञा और सर्वनाम का एक क्रिया के साथ दूसरे शब्दों से संबंध बताना, ये कार्य कारक करते हैं। जैसे सिंपल सा एक छोटा सा हम वाक्य लें, राम ने रावण को मारा, है ना। तो ने, को, राम संज्ञा, मारा क्रिया, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम का, या संज्ञा और सर्वनाम का एक क्रिया मारा के साथ दूसरे शब्दों से रावण को, इससे संबंध बताया। तो यहां पर ये जो चिन्ह है ने और को, ये क्या है, कारक है। इन चिन्हों को कारक कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो कारक क्या होते हैं ये आपको समझ में आया? किन चिन्हों को हम कारक कहते हैं? इसकी परिभाषा सरल अर्थों में ही, सरल शब्दों में ही आप याद कर सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का एक क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। आपको जैसे समझ में आई आप वैसे भी उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, बस उस परिभाषा का अर्थ उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो कारक क्या होते हैं ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितने प्रकार के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, है ना, जैसे ने, को, से, में, पर, ये सभी चिन्ह हैं, इनके बिना वाक्य अस्पष्ट होता है। तो कौन कौन से ऐसे कारक के प्रकार होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। कारक के भेद, कारक के प्रकार, कारक के प्रकार देखिए कि कारक के यहाँ पर आठ प्रकार दिए गए हैं, है ना, कारक के आठ प्रकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। पहला दिखाया ना, पहला आपको, पहला कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये आठ प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनको याद करना इतना कठिन नहीं है। मैं आपको अंत में, सबसे आखिरी में मैं एक सेंटेंस दूंगी जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा फटाफट। आप कहेंगे कि पूरा लेसन ही याद हो गया हमें, है ना। तो ये आठ प्रकार के कारक के भेद होते हैं। हर भेद का एक चिन्ह होता है जिसे हम विभक्ति कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, अपादान का से, करण का भी से है और अपादान का भी से है, लेकिन अपादान का से अलग होने का भाव है। एक उदाहरण में यही बताती हूँ आपको, जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तब मैं फिर से इसको पूरा स्पष्ट करूंगी। यहां सुनिए दोनों से में क्या अंतर है। करण का से है साधन के द्वारा, राम पेन से लिखता है, पेन के द्वारा वह लिख रहा है, पेड़ से पत्ता गिरना, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यहाँ जो से है वो अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ का से हमें अलग होने का भाव बता रहा है। तो ये दोनों से अलग होते हैं, दोनों से में अंतर होता है। करण का से साधन होता है और अपादान का से अलग होने का भाव होता है, ठीक है, जिससे अलगाव हो। संबंध का, की, के, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी। कर्ता का अर्थ होता है बच्चों काम करने वाला, जिस पर जो काम करता है, है ना, काम करने वाला कर्ता होता है। हर वाक्य में एक कर्ता होता है जिसने काम किया। कर्म का अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, कर्म यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। करण जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, साधन जो मैंने बताया, माध्यम जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जैसे राम पेन से लिखता है तो राम करता है क्योंकि राम यहाँ पर काम करने वाला है, है ना, पेन से लिखता है तो से जिसके लिए कर्ता काम करे, पेन कर्ता कर्ता के लिए काम कर रहा है ना पेन से, तो यहां पर ये करण कारक है। संप्रदान को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान जिससे अलगाव हो, अलगाव यानी अलग होने का भाव हो। संबंध अन्य पदों से संबंध, अधिकरण में, पर, क्रिया का आधार,
संबोधन किसी को पुकारना बुलाना, संबोधन किसी को पुकारना और बुलाना। ठीक है, तो बच्चों हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। हमने कारक क्या होते हैं ये समझा, कारक की परिभाषा समझी और कारक के भेदों के नाम, उनके चिन्ह और उनके अर्थ को हमने जाना। ठीक है, इसके बाद हम कारक के इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरणों को पढ़ेंगे अगले पीरियड में। तो आज इतना ही आप करिए अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों।